कारगिल, इसे भला कौन भूल सकता है। उत्तराखंड के वो परिवार तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते जिनके घर के रणबांकुरे देश की रक्षा की खातिर कारगिल की जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। गर्व भी है हमें, खुशी भी होती जब हमारा मान होता, सम्मान होता इतने बड़े बड़े लोगों के सामने। पर दुख भी है ही कि क्या करूं, कि अब तो थोड़ा बचे हो गए, थोड़ा हिकमत आ रही। उन्होंने ही मेरे को हिकमत दिया तब मैं आज यहां तक पहुंची। सरकार ने पेट्रोल पंप दे रखा। मैं कारगिल शहीद स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह राणा का छोटा भाई सुरेंद्र सिंह राणा हूँ। 23 जुलाई 1999 को मेरे भाई कारगिल शहीद हुए। 21 साल की थी जब वो शहीद हुए थे और बेटा 11 महीने का था। उस युद्ध में देवभूमि उत्तराखंड के 75 जवानों ने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। कारगिल की ऊंची बर्फीली चोटियों पर कब्जा किए बैठे दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए उत्तराखंड के उन 75 जांबाजों को देश आज भी याद करता है। इस बात को आज करीब 24 साल हो रहे हैं, लेकिन कारगिल की जंग के योद्धा इसलिए भी याद किए जाते हैं क्योंकि वो एक भिन्न किस्म का मोर्चा था। हम तकरीबन 15,000 से 17,000 फीट पे लड़ाई कर रहे थे। ये वो एरिया है जहां आपको केवल पथरीली जमीन है, ना वहां कोई पेड़ दिखता है, ना घास की कोई एक तिनका होता था। और हर कदम के बाद हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। उस क्षेत्र में लड़ाई के दौरान पानी भी नहीं था, हम बर्फ़ पिघला के पी रहे थे और बर्फ़ भी ऐसे थी कि इतनी गोलाबारी हो चुकी थी हमारी आर्टिलरी की कि जब हम बर्फ़ पिघलाते थे तो उसमें हमें बारूद की स्मेल आती थी। उत्तराखंड देव भूमि ही नहीं, वीर भूमि भी रही है। कारगिल के युद्ध में यहाँ के शहीदों की संख्या बताती है कि इस वीर भूमि के शूरवीर देश की खातिर बलिदान करने में सबसे आगे रहे। कारगिल विजय ऑपरेशन में उत्तराखंड से गढ़वाल राइफल्स के 41, नागा रेजिमेंट के 16, पैरा रेजिमेंट के 6, गोरखा राइफल्स के 2, J&K के 2, एयरफोर्स आर्टिलरी राजपूताना राइफल्स, 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ग्रेनेडियर के एक एक वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इनके अलावा उत्तराखंड के 2 प्रशिक्षु जवान भी शहीद हुए। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के एक एक जवान के शौर्य की दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इन्हीं में से एक हैं राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता। तारीख थी 12 जून 1999। उस रात मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में टोललिंग चोटी फतह करने के लिए कंपनी रवाना हुई। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन ने हमला किया जिसमें मेजर गुप्ता को 2 गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद मेजर गुप्ता ने 3 दुश्मनों को ढेर कर बंकर पर कब्जा कर लिया। मेजर गुप्ता को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ वीरता पदक महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने टोललिंग पर 30 मई को अपनी कंपनी के साथ चढ़ाई शुरू की। 15,000 फुट की ऊंचाई पर भारी बर्फ के बीच दुश्मन ने मशीन गन से उन पर धावा बोला। गंभीर रूप से जख्मी हालत में 2 बंकर ध्वस्त कर मेजर अधिकारी ने .4590 पर कब्जा किया। मेजर अधिकारी के इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें वीरता पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्पेशल फोर्सेज 9 पैरा के नायक ब्रिजमोहन की अगुवाई में चार्ली टीम ने कारगिल के मशकोह सब सेक्टर में 1 जुलाई को हमला बोला। बेहतरीन पर्वतारोही नायक ब्रिज ने ऊंचे बंकर पर चढ़ाई की और 2 दुश्मनों को मार गिराया। इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश प्रेम का यही जोश और जज्बा उत्तराखंड के नौजवानों में आज भी बरकरार है। इतनी शहादतों के बावजूद भी यहाँ का युवा जो है फौज में जाने के लिए प्रेरित होता है। और जो सम्मान मेरे हृदय में और मेरे मन में शहीदों के लिए है उसके लिए मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ। जब आप आर्मी में होते तो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी रहती है हमेशा वो देश रहता है एंड उसके बाद फैमिली रहती है। मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी और हमें उस पर बहुत गर्व है। द्रास सेक्टर के .4700 पर सर्वाधिक सैनिक बलिदान हुए।
18 गढ़वाल के नायक कश्मीर सिंह, राइफलमैन अनसुया प्रसाद और कुलदीप सिंह दल का हिस्सा थे। तीनों वीरों ने घायल होने के बावजूद दर्जन भर दुश्मनों को मार गिराया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में एयर कॉमोडोर AK सिन्हा, सूबेदार खुशीमन गुरुंग, कर्नल शशि भूषण घिल्डियाल, कर्नल राजेश शाह, नायक ब्रिजमोहन सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल रूपेश प्रधान को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के हर घर में आपको वीरता और शौर्य की कहानियां मिल जाएंगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मेरे पति शहीद हुए। मेरे पति शहीद हुए थे तो मेरे 4 बच्चे थे, बहुत छोटे थे, और तो मैं नहीं जानती, मैंने देखा कि मैं कैसे पालूंगी 4 बच्चों को। मेरे पति शहीद हुए, शहीद होने के बावजूद भी मेरा बेटा आर्मी में है। जो सम्मान एक शहीद को मिलता है वो शायद ही किसी और को मिलता होगा। हमारे बच्चों में जोश है उत्तराखंड के कि हम फौज में जाएं, फौज के काम आएं। आर्मी की फैमिली रहती हूँ, हमारा परिवार है, हमेशा सर ऊंचा करके ही चलती हूँ। अदम्य साहस और बहादुरी के लिए वीर जवान सूबेदार पदम राम, सूबेदार सुरेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल संजय बर्शीलिया, हवलदार तम बहादुर क्षेत्री, नायक हरि बहादुर घले, राइफलमैन नरपाल सिंह, नायक जगत सिंह, लांस नायक सरमान सिंह, राइफलमैन डब्बल सिंह, लांस नायक चंदन सिंह, नायक मोहन सिंह, लांस नायक किशन सिंह, नायक शिव सिंह व नायक देवेंद्र प्रसाद को सेना मेडल प्रदान किया गया। दुश्मन का वीरता पूर्वक सामना करने के लिए मरणोपरांत वीर जवान राम सिंह, हवलदार हरि सिंह थापा, नायक देवेंद्र सिंह, राइफलमैन विक्रम सिंह, राइफलमैन मान सिंह, नायक मंगत सिंह व नायब सूबेदार बलवंत सिंह को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। इन शहीदों के अलावा वीर जवान विंग कमांडर अमित डबराल, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रवीण कश्यप, विंग कमांडर अर्जुन सेन व CHM अनिल कुमार को भी मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। कारगिल का युद्ध भले ही सेना के उच्च अधिकारियों की विस्तृत योजना व रणनीति के तहत लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपने प्राणों से ज्यादा अपनी मातृभूमि के सम्मान की चिंता थी। कारगिल योद्धाओं की बहादुरी का स्मरण करने पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड अपने इन रणबांकुरों के शौर्य को स्थायी बनाने के इंतजाम कर रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे वीर जवानों ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी कारगिल युद्ध में अपने शौर्य व पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। कारगिल युद्ध में हमारे 527 जवान सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के 75 वीर जवान शामिल थे। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है, हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने जा रही है। सैन्य धाम निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन से कलश में मिट्टी लाई गई है, जिसे सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। सैन्य धाम के प्रांगण में शहीद जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनेगा। इन दोनों वीर सैनिकों को सेना में भी पूजा जाता है। अब उत्तराखंड के दूसरे शहीदों की स्मृति भी स्मारक के रूप में मौजूद रहेगी। आओ झुककर नमन करें उनका, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो जिनका खून देश के काम आता है।